वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नयाब और आप देख रहे हैं बीच फिटनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी स्टेरॉइड साइकिल, कोई भी एनाबॉलिक साइकिल जब आप चलाते हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए ताकि आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। बहुत सारे मिसकंसेप्शन देखे हैं मैंने, लड़के बिल्कुल पागल हो रहे हैं रिजल्ट के लिए। सो, इस टॉपिक के बारे में आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो रेड बटन निकल गया है उसको भी टक 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 ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का लल्लनटा कतरू वीडियो आपको एक रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। लड़के जो आजकल टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, लॉन्ग एस्टर्स ले रहे हैं, डेका ले रहे हैं, और वो लोग चाहते हैं कि वन मंथ में उनको तगड़ा रिज़ल्ट मिल जाए। रिज़ल्ट तो मिल रहा है, बट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक प्रॉपर साइकिल जो होता है 12 वीक्स का होता है वो मिनिमम है, और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, 4 महीने का साइकिल करते हैं, तब जाके एक अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलता है उनको। एक फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन का, जब आप लेते हैं तो आपका पावर जनरेट होता है और आप ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, और मैंने देखा है कि लड़के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलने लगते हैं। मुझे भी बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस आए कि वन मंथ हो गया कुछ भी नहीं हुआ। ऑफ कोर्स पावर उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि बढ़ता है, बट वो लोग चाह रहे हैं कि हल्क बन जाए वन मंथ में। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डिंग इतना आसान नहीं है। लीन मसल मास को जनरेट करना में टाइम लगता है। आप ये ना सोचें कि कोई बॉडी बिल्डर एक साइकिल चलाकर हीरो बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग साइकिल चलाते रहते तब जाकर लीन मसल मास जमा होता है। अगर आपके साइकिल से, अगर एक अच्छा खासा लीन मसल मास के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपने 1 किलो 1 kg भी लीन मसल मास, तगड़ा वाटर वाला नहीं, भी आपने गेन कर लिया, तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ गेन किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहला मिस्टेक लड़के ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट रिज़ल्ट का एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग 1 महीने के बाद साइकिल बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। ऑफकोर्स इस 1 महीने में पावर तो गेन होता ही है, और इस तरह का मेरे साथ भी हुआ, मैं कोई नया नहीं था, मेरे साथ भी हुआ। मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपका एक मिसकंसेप्शन क्लियर हो सके। जब मैंने टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट यूज़ किया था तो 30 दिन तक कुछ हुआ नहीं मेरे बॉडी में। ऑफकोर्स मेरा सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ रहा था, मेरा पावर बढ़ रहा था, बट मुझे साइज चाहिए था। और जिम में जो लड़के भी होते हैं वो भी ताना मारते हैं, भाई क्या माल ले रहा है, डुप्लीकेट डी माल है क्या तेरा, साइज़ नहीं गेन हो रहा, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा, इतना साइज़ का मैंने केयर नहीं किया, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ो, मैं मारूंगा और अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा। तो 40 दिन के बाद मैंने क्या देखा कि अचानक मेरे स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रहा है। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ मुझे रिज़ल्ट मिलना, तो रिज़ल्ट का जो स्पीड होता है वो बढ़ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 30 दिन है जो वो स्टेरॉइड्स को आपके सिस्टम में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आप इस तरह अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, 1 महीना हो गया है, शायद ये बेकार माल है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर स्क्रैच कोड है, सब कुछ है, फिर भी आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टेरॉइड्स के ऊपर कि आपको जो इंक्रीज़ हो रहा है पावर उसका आपको कोई अहमियत पता नहीं चल रहा, बट आपको हल्क बनना है 1 महीने में। आई थिंक ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है, आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप अपने साइकिल को वेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आप मन लगाकर वर्कआउट कर रहे हैं, और जो आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उसको भी थोड़े दिन में बंद कर देंगे ये सोचकर कि कोई फ़ायदा नहीं, कोई रिज़ल्ट नहीं है। बट स्टेरॉइड्स टेक्स टाइम, आप 3 महीने का साइकिल कीजिए एटलीस्ट, ये बहुत लो है। पता नहीं लोग सोचते हैं कि अरे ये तो पॉइजन में डाल रहा हूँ अपने बॉडी में, मर जाऊँगा, अरे ये हो जाएगा, अरे ये पॉइजन। मैं देखता हूँ इस तरह का मेंटेलिटी बहुत है, बट लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं दारू जो पी रहा हूँ, जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, वो कितना बड़ा पॉइजन है।
जस्ट बिकॉज ये सिरिंज है तो डर जाते हैं कि इसको लेना पड़ता है, जस्ट बिकॉज वो बोतल में आता है तो चढ़ा के कभी भी टल्ली हो जाते हैं बेड में, नाली में, कहीं भी। सो आप स्टेरॉइड्स का जो कंसेप्ट है उसको समझे, थोड़ा टाइम दे, इतने डेस्पो ना हो, किसी टेस्टोस्टेरोन डेका वगैरह को यूज़ कर, एंड ऑफ कोर्स डेका, टेस्टोस्टेरोन, एनन्थेट, ये सारे लॉन्ग स्टर्ट्स है, ये तो टाइम लेगे ही। अगर आपको फिर भी फास्ट रिजल्ट चाहिए तो मैं आपको कहूँगा ट्रेनबोलोन एसीटेट पे जाए, बट वो महंगा होता है, सो आई कांट डू एनीथिंग, एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट पे जाइए। और एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड, जो आपको बहुत हेल्प करेगा साइकिल के स्टार्टिंग में ही मास गेन करने में, वो है कोई भी ओरल आप यूज़ करें जो साइज गेन करता है, जैसे कि एनाड्रॉल यूज़ करें और डायनाबॉल यूज़ करें, और साइकिल के 1 मंथ में होना चाहिए सिर्फ किक स्टार्ट के लिए, उसके बाद बंद कर देना है। बट ओरल को ऐड करना आई थिंक ज़रूरी है, अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हैं के साइज गेन का, तो आई थिंक आपको ऐड करना चाहिए ओरल किसी भी साइकिल के स्टार्ट में। नहीं तो मुझे बहुत सारे लोग गाली देते हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, ऑफकोर्स इट्स इंडिया, गाली चलता है यहाँ पे, सो मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिया से, कि इतना आसान नहीं है, इट टेक्स टाइम। अगर इतना ही आसान होता तो टाटा बिरला मालिया सारे बॉडी बना के घूमते। यू कांट बाय अ गुड फिजिक विथ मनी, आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही छोटा सा मैसेज देना चाहता था कि अगर आप लीन मसल मास गेन करना चाहते हैं एंड यू वांट टू लुक रिप्ड टोन्ड, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज आपको डेक्सोना प्रैक्टिन देकर कोई भी फुला सकता है। एंड डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरह का कंपाउंड्स रन करना चाहते हैं। अगर आप फास्ट रिजल्ट ओरिएंटेड कंपाउंड यूज़ करना चाहते हैं, बट फिर भी वो टाइम लेता है फ्रेंड्स। अगर फास्ट थ्योरेटिकली बहुत कुछ लिखा जाता है ब्लॉग वगैरह में कि फास्ट है, बट टाइम लेता है, बट कॉम्परेटिवली जल्दी रिजल्ट देता है लॉन्ग स्टर्स के बनिस्बत। सो आप प्रोपाइनेट, शॉर्ट स्टर्स में प्रोपाइनेट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट और ट्रेनबोलोन एसीटेट और डायनाबोल ऐड कर सकते हैं, और लॉन्ग स्टर्स जो होता है जो थोड़ा लेट रिजल्ट देता है बट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बल्किंग के लिए, टेस्टोस्टेरोन, एनन्थेट, डेका, एंड उसके साथ पहले मंथ में डायनाबोल ऐड करें या एनाड्रोल ऐड करें फॉर फास्ट रिजल्ट। सो आई थिंक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट फिर भी पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो आप बॉडी बिल्डिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो दैट बीइंग सेड फ्रेंड्स, अबाउट व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रॉपर एनाबॉलिक साइकिल, मैं इसी तरह करता हूँ। मैंने 4 महीने का अभी साइकिल किया, जस्ट ऑफ किया हूँ मैंने आफ्टर फोटोशूट, और मे बी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है बट मेरे लिए ये मिनिमम था, क्योंकि आई थिंक 4 महीने अगर नहीं दूंगा बॉडी को और स्टेरॉइड्स को अपने बॉडी में काम करने के लिए, तो उस तरह का रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अनटिल देन गुड बाय, वन लव, पीस आउट, आई लव यू ऑल।